फ्रेंड्स, दिस इज शकाचा सिंह, वेलकम रेशली बाई थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम जॉन मिल्टन की ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 16 स्टांजास तक हम कवर कर चुके हैं। आज 17 स्टांजा से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो आप देखेंगे तभी आप इस वीडियो को देखेंगे, तभी समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं तो एक देखेंगे एक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से पहले उसको देखने के बाद फिर आप इसको देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, बीच में थोड़ा गैप हुआ है, आपको वेट भी करना पड़ा होगा, बट ये है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको इजी ढंग से कराया जा रहा है। और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पहले की वीडियो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। रिंग आउट ए क्रिस्टल स्पेयर्स वंस प्लेस आवर ह्यूमन ईयर्स। रिंग आउट टू क्रिस्टल क्षेत्रों में वंस प्लेस आवर ह्यूमन ईयर्स। कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में मैं कहता हूँ कि म्यूजिक को क्या करो, कवर करो, हमारे जो साधारण कानों को वचन दिए जाए। इफ ए हैव पावर टू टच आवर सेंसेस, यानी कि वो हमारे इंद्रियों को छूने की शक्ति रखता है, यानी कि तुम इतने बेहतरीन संगीत सुना सकते हो। एंड लेट योर सिल्वर चाय मूव इन मेलोडियस टाइम। और क्या करें कि अपनी चांदी की झंकार आने दो मधुर समय और मधुर टाइम, यानी कि समय में ले जाए। एंड लेट विद हेवन्स डीप ऑर्गन ब्लो। और कह रहे हैं कि स्वर्ग के गहरे अंग का वॉस बजने दो। एंड विद योर नाइन फोल्ड हार्मनी मेक अप फिल इज कॉर्स द एंजल लाइक सिम्फोनी। और कह रहे हैं कि एंजलिक सिम्फोनी के लिए पूरे संघ को बनाओ। नेक्स्ट स्टांजा को देखते हैं। फॉर इफ सच होली सॉन्ग इन ब्रेव और फैंसी लॉन्ग। कह रहे हैं कि अगर ऐसा पवित्र गीत है जो हमारी कल्पना को फैंसी लॉन्ग यानी कि लंबा करें, टाइम विल रन बैक। क्या कह रहे हैं कि क्या है, समय क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड फेच द एज ऑफ गोल्ड। और क्या होगा, गोल्डन एज आ जाएगा, यानी कि जो है कि बहुत ही अच्छा दिन आ जाएगा। यस, एंड स्पेगेट वैनिटी विल सेकेंड सू एंड डाई। और क्या कह रहे हैं कि जो बीमारी है वह भाग जाएगी एंड मर जाएगी। एंड लेप्रोसी साइन विल मेल्ट फ्रॉम अर्थली मॉल्ट एंड हेल इट सेल्फ विद पास वे एंड लीव हर डेलोसियस मेंशंस टू द पियरिंग डे। और क्या कह रहे हैं कि इस धरती पर पाप और पापियों का कोई निशान नहीं रह जाएगा, नर्क जो है खुद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि जो ये उम्मीद भरा संदेश दे रहे हैं, जो इस धरती की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसके लिए हर कोई को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ई का मतलब है एस, यहाँ पे होगा 16वीं शताब्दी की जो है कि है स्पेलिंग, है ना। तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे इसका मतलब है यस, वाई ई एस। ट्रूथ एंड जस्टिस देन विल डाउन रिटर्न टू मैन। और कह रहे हैं कि सत्य और न्याय फिर से मनुष्य के जीवन में वापस आ जाएगा। इन मिड एरास ऑफ द रेनबो वीरिंग एंड मर्सी सिट बिटवीन। और क्या होगी, दया बीच में बैठेगी, यानी कि लोगों के अंदर क्या होगी, दया होगा, न्याय होगा। थ्रोंड द सेलेस्टियल सीन एंड रेडिएंट फिट ऑफ ट्रिसुट क्लाउड डाउन स्टीयरिंग एंड हेवेंस एट सम फेस्टिवल विल ओपन वाइड द गेट्स ऑफ हर हाई पैलेस हेल। क्या कह रहे हैं कि विद रेडीनेस
कटाने का क्या मतलब है? यस, थ्रोट द सेलेस्टियल स्ट्रीम, यानी कि क्या है ये दिव्य चमत्कार में क्या होगा, सिंहासन होगा, यानी सिंहासन क्या होगा, दिव्य से चमकेगा, विथ रेडिएंट फिट द टीसूर द क्लाउड डाउन स्टीयरिंग। और क्या कह रहे हैं, जो ये यस फिट है, जो पैरों के साथ स्टीयरिंग, जो स्टीयरिंग है में बादल छा जाएंगे और क्या होगा, स्वर्ग में उत्सव होगा। और क्या कह रहे हैं कि उनके ऊंचे राजमहल के द्वार खोल देंगे, एंड हेवन से एज सम फेस्टिवल, और स्वर्ग में क्या होगा, उत्सव मनाया जाएगा, और जो उसके राजमहल का जो द्वार है यानी स्वर्ग का जो द्वार है वह उसको खोल दिया जाएगा। नेक्स्ट शांत देखते हैं, यस आइए देखते हैं। बट विशिष्ट फैक्ट सेज नो दिज मस्ट नॉट एट बी सो, कह रहे हैं कि बट, लेकिन विशिष्ट फैक्ट सेज नो, जो बुद्धिमान है वो भाग्य पर निर्भर नहीं होते, वो भाग्य को नहीं करते। दिज मस्ट नॉट एट बी सो, द बेब लाइज एट सिमली इन फ्रांसी, That on the bitter cross must redeem our loss, है ना? ये क्या कह रहे हैं कि this must not at be so, अभी ऐसा नहीं होगा। The babe lies at Simling in Frenzy, जो यहाँ पे जो स्मेलिंग फ्रेंजी, जो बेब है इसका मतलब है जो क्राइस्ट का जन्म हुआ है, यानी कि वो छोटा बच्चा है जो मुस्कुरा रहा है। द ब्रिटल क्रॉस, यानी कि कड़वे क्रॉस पर हमारे जो है कि मस्ट रेडियम आवर लॉस सो बोथ हिमसेल्फ अस टू ग्लोरीफाई एट फर्स्ट टू दोज एट द स्लीप वेकफुल ट्रंप द मस्ट थंडर थ्रू द डीप। कहने का क्या मतलब है ये फ्रेंड्स कि इसमें कवि कह रहा है, ये जो स्टांजा है इसमें कहने का क्या मतलब है कि ये जो स्टार्टिंग होता है, जो स्टांजा की स्टार्टिंग होता है, इसमें क्या होता है कि वो रुक जाता है। वह कहता है कि ऐसा अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कुछ तो है जो पहले होना है। क्या होना है? चरनी में मुस्कुरा रही बच्ची जो कड़वी क्रॉस पर समाप्त होगा, यानी कि वो उसका कहने का क्या मतलब है कि क्राइस्ट को क्या होगा, मरना होगा। कैसे? इस दुनिया को वास्तविक बनाने के लिए क्राइस्ट को, जो हमारे पाप हैं, हमारे पापों के लिए उसको मरना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी और हमारी दोनों की महिमा होगी, इसमें के वक्ता कह रहा है इस स्टैंजा में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। With such a horrid clang as on Mount Sinai, कह रहे हैं कि इतनी भयानक खनखनाहट के साथ जैसा कि सिनाई पर्वत पर, while the red fire is smoldering clouds our brick, और कह रहे हैं जब लाल आग, यानी कि जब सूरज जो होता है, जब डूबने वाला होता है, तो उसका जो गोल आकार होता है एकदम लाल हो जाता है। द इज अर्थ एगोस्ट विद ट्रेजर्स ऑफ डेट ब्लास्ट, और क्या कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वह भौचक्का है, इज अर्थ एगोस्ट है, यानी कि पृथ्वी क्या है, भौचक्का है, जो कि आतंक के जो ब्लास्ट है, सेड फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर सिक, और क्या कह रहे हैं कि सरफेस से यानी सतह से केंद्र तक हिलाएगा। When at the world's lost season, जब दुनिया के आखिरी सत्य में the dreadful judge emitted air said spread his throne, और कह रहे हैं कि हवा में भयानक न्यायाधीश अपना क्या करेगा, सिंहासन को हिलाएगा, है ना? यानी कि कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, जो सीन है, यस यस, यहाँ से देखिए, ये देखिए
जो सीने पर्वत है पृथ्वी पे जो हिलने एक भयंकर झंकार का वर्णन करता है, वह कह रहा है कि यह न्याय का दिन है, ठीक है, जिसका सामना पृथ्वी के सभी लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। यस, आइए देखते हैं। एंड देन एट लॉस्ट आवर ब्लिस फुल एंड परफेक्ट इज, कह रहे हैं, कह रहे कि ये जो आनंद है वह क्या है, पूर्ण और परिपूर्ण से शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो आनंद है, ये जो अंत में हमारा आनंद है वह क्या है, पूर्ण है और क्या है, परिपूर्ण है, फुल एंड परफेक्ट है। बट नाउ बिगिंस, अब शुरू हो गया है, फॉर फ्रॉम दिस हैप्पी डे, क्या हैप्पी डे अब शुरू हो गया है, दैट ओल्ड ड्रैगन अंडरग्राउंड इन स्ट्रिक्ट लिमिट्स बाउंड। ये जो ड्रैगन है, यस, ये जो ड्रैगन है फ्रेंड्स, ये ड्रैगन कौन सा है, ये जो सैटर्न को मिली थी, और ये नर्क में हमेशा क्या रहता है, अंडर ग्राउंड माना जाता है ना, ये अंडरग्राउंड माना जाता है। यानी कि ये पूरी तरह से जो प्लान कर रहा है कि क्राइस्ट का जन्म जब हुआ है तो वह उसकी सत्ता को नहीं चलने देगा, यानी कि उसके राज्य को रोक देगा, उसको विफल कर देगा। आइए देखते हैं, नॉट हॉफ सो फॉर कास्टल हीज On serpent sway and brief to see this kingdom fail, swing taste the scaly horror of his folded tail, है ना, yes, kingdom fail यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे है ये कहना चाहता है कि यह उसके राज्य को क्या करेगा, उसके राज्य को नष्ट कर देगा, उसकी सत्ता को चलने नहीं देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ओरेकल्स आर डम, नो वायर्स ऑफ हैडियस हम रन्स थ्रू द अर्थ द रूफ ऑफ वर्ड्स डिजाइविंग अपोलो फ्रॉम हिज सन कैन नो मोर डिवाइन विद हैलो स्ट्रेक एंड स्ट्रीप डेड फूज लिविंग No nightly trance of breathed spell inspired the bell eyed priest from the prophetic cell. आइए इसको देखते हैं। Yes, the oracles are dumb. कह रहे हैं कि नो वॉयस आर हैडियस हम, कह रहे हैं कोई आवाज या भयानक गुनगुनाहट नहीं है। रन्स थ्रू द आर्च द रूफ इन वर्ड्स डिजाइविंग अपोलो फ्रॉम हिज श्रीन, और कह रहे हैं कि जो छल कपट के शब्दों में चलता है अपोलो जो है, जो अपोलो है अपने धर्म स्थल से, कैन नो मोर डिवाइन अधिक जो है कि दिव्य नहीं हो सकता। विद हैलो स्ट्रेक द स्ट्रीफ डेफ्रूट लिविंग नो नाइटली ट्रॉन्स आर ब्रिथरल स्पेल, और क्या कह रहे हैं कि जो डेफोल्स जो है, कोई रात का ट्रांस या सांस का जादू नहीं है यहाँ से, नाइट द ए ट्रांस आर ए ब्रिथरल स्पेल। Yes, inspired the pale eyed priest from the prophetic cell, और कह रहे हैं जो पुजारी हैं वो मंत्रों से प्रेरित नहीं होते हैं, न ही उस दुनिया के चमत्कारों का जश्न मनाया जाता है। यानी कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, ये जो स्टैंजा है इसमें कहने का क्या मतलब है कि जब क्राइस्ट के जन्म के समय होता है तो जो अपोलो रहते हैं, यस, अपोलो डेल्फोस जो ये लोग गॉड रहते हैं, ये पुराने वाले रहते हैं, यानी कि क्राइस्ट के पहले के गॉड गॉड को दिखाई देते हैं, जो अपने मंदिरों को छोड़ करके चले जाते हैं। आइए आगे देखते हैं।
आइए आगे देखते हैं। द लोनली माउंटेन्स आर एंड रिसाउंडिंग सो अ वॉइस ऑफ वीपिंग हियर एंड लाउड लैमेंट। और क्या कह रहे हैं कि द लोनली माउंटेन्स जो अकेले पहाड़ की तरफ एंड रिसाउंडिंग सो और गूंजता हुआ किनारा वॉइस ऑफ वीपिंग हियर यानी रोने की आवाज सुनाई दी और जोर से क्या कर रहे हैं विलाप कर रहे हैं। फ्रॉम हंड्रेड स्प्रिंग द डिल और क्या कह रहे हैं कि जो बसंत है और डिल से इर्च विथ द पॉपुलर फ्रिल और क्या कह रहे हैं जो पीला पीला है पार्टिंग जीनियस इज विथ साइनिंग सेंट विथ फ्लावर इन वोब्स ट्रेसेस टर्न और क्या कह रहे हैं कि जो फटे फटे बालों के साथ हैं और जो अप्सराएं हैं वो जो झाड़ियों की छाया में जो अप्सराएं हैं वो क्या कर रही हैं शोक मना रही हैं कि अब उनको क्या करना है इसे छोड़ करके जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। Yes. The consecrated earth and on the holy hearth. क्या कह रहे हैं कि पवित्र धरती में पवित्र चूल्हा पर the lords and lemurs mourn with midnight plaint in urns and altars round a dear and dying sound. और क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड्स एंड लेमर्स आधी रात की मिडनाइट प्लेंट अर्न्स एंड एल्टर्स राउंड और क्या कह रहे हैं वो बिलाप कर रहे हैं और डियर डाइनिंग साउंड एफ्राइट्स द ऑफ फ्लेमिंग्स एट देयर सर्विस क्वाइट द एंड इट चील मॉर्ब सीम टू स्वीट वाइल इच पेग्लियर पावर द फॉरगोज हिज वांटेड सीट और क्या कह रहे हैं कि जो गोल कलशों और वेदियों में एक डरावनी और मरने वाली आवाज जो फ्लेमन को क्या करता है डराता है और जो संगमरमर है जो मार्बल चीन मार्बल है जो संगमरमर है वो क्या ठंडा है और जबकि वॉयल इज पेक्लियर पावर यानी कि अजीबो गरीब ताकत अपनी क्या करती है सीट को छोड़ देती है यानी कि कहने का क्या मतलब है आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इस स्टैंजा को थोड़ा सा आप इजी ढंग से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स ये जो डार्क है ये दुनिया में आने वाले जो बदलाव हैं उसके समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि जो पुराने पूर्वस्थ धर्म क्या है टूट रहे हैं अब कोई भी उनके बारे में सोचने वाला नहीं है कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है अब वो संसार से क्या करेंगे निकाल दिए जाएंगे। जो झूठे मूठे देवता बने हैं अब उनको क्या किया जाएगा यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आइए निष्ठ को देखते हैं। यस यस आइए इसको देखते हैं। पोर एंड बाइलिंग फॉर सिक देयर टेम्पल्स डीम विद दैट ट्विस्ट बेटर गॉड ऑफ स्टीन एंड मूंड द अस्था रूट हेवेंस क्यून एंड मदर बोथ नाउ सिट्स नॉट गेट विद ए टेपर्स होली साइन एंड लिपिक द हेमोन स्ट्रिंग्स हिज हॉर्न इन बिल एंड ट्रियन मेट्स देयर वॉन्टेड द टेम्स मॉन क्या कह रहे हैं यस आइए देखते हैं। जो पोर और वालिम हैं उनके मंदिरों को क्या कर रहे हैं वो छोड़ दिए हैं जो फिलिस्तीन के देवता हैं
यस आइए देखते हैं, जो फिलिस्तीन के क्या है, देवता है, यानी कि जो आस्थारोत, ये जो आस्थारोत हैं उनको मून का देवता कहा जाता है, और जो हेवेंस क्वीन है और उनकी मदर है, नाउ सिट्स नॉट अ गॉड द टेपर्ड होली साइन, और क्या कह रहे हैं कि जो लिविक हैमोन अपने सिंहों को सिकोड़ लेता है, यस हॉर्न इन वेन ऑफ ट्रांसमिट देयर द एवुंटेड टेमस, है ना, थैमस है द इमॉर्टल, और क्या कह रहे हैं कि टायरियन जो नौकरानियों ने, यस ये देखिए टायरियन मेट्स टायरियन नौकरानियों ने अपने घायल थैमस को क्या किया है, बिलाप कर रही हैं, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो भिन्न भिन्न देवता थे, जो विभिन्न विभिन्न देवताएं थी, ये क्या है, ये धर्म से क्या थे, ये संदर्भों में भरा है, वो कहते हैं जो टायरियन है ये क्या है, ये व्यर्थ के हैं, और जो पोर और फाली में ये भी क्या है, ये व्यर्थ के हैं, ये भी कोई देवता होता नहीं है, अब इनको क्या किया जाएगा, अब इनका राज्य नहीं रहेगा, इनको जो है कि यहाँ से भगा दिया जाएगा, कहने का सेंस यही है। नेक्स्ट इस राजा को देखते हैं, द सुलेन मुलोच फ्लेट हैथ लिफ्ट द सैडोस ड्रेड, और कह रहे हैं कि सुलेन मुलोच फ्लेट जो उदास मुलोच वह क्या किया, भाग गया है, सैडोस ड्रेड यानी छाया को छोड़ दिया है, हिज बर्निंग आइडल ऑल द ब्लैकेस्ट हूँ, और क्या कह रहे हैं कि सबसे काले रंग की उसकी जलती हुई जो मूर्ति है वो जल करके क्या हो गई है, काली हो गई है, इन वेन हिज, और क्या कह रहे हैं कि सैम्बल्स रिंग, और क्या कह रहे हैं कि जो हांस की अंगूठी के साथ बैठे दे कॉल ग्रीसली किंग, और कह रहे हैं कि वे भयानक राजा कहते हैं, डिसमेल डॉन्स अबाउट द फर्नेस ब्लू द ब्रुस्टिस गॉड ऑफ नील एज फर्स्ट, और कह रहे हैं कि जो नील के पार्श्व देवता उतने ही तेज थे, आइसिस एंड ओरस एंड द डॉग एनुबिस हॉस्ट, है ना, ये जो है, ये जो यस एनुबिस है, ये जो है कि ये डॉग है, यानी कि ये जो इनकी शक्ल है वो डॉग की है, इनको डॉग का गॉड माना जाता है ना, तो ये सब क्या है, ये सब पुराने हो गए हैं, कह रहे हैं कि मुलोच का यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है, उल्लेख किया जा रहा है, वो कनानी देवता भाग रहे हैं और अपनी जो उनकी मूर्तियाँ जल रही हैं, यस जो बर्निंग आइडल ऑफ ब्लैकेस्ट, जो उनकी मूर्तियाँ जल रही हैं उसको क्या कह रहे हैं, उसको छोड़ करके वो भाग रहे हैं, जो नील के देवताओं के साथ भी, नील एज गॉड्स ऑफ नील्स एज फर्स्ट, और जो नील के देवता भी हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे क्योंकि अब क्राइस्ट का जन्म हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, नॉर इज ओरसिस सीन इन मेफिन ग्रोव और ग्रीन, और क्या कह रहे हैं कि न वो ओरसिस को, नॉर मतलब कि न ही ओरसिस को देखा जाता है मेम्फियन ग्रो या ग्रीन में, द ट्रैम्पलिंग द अनसोड ग्रास ऑफ लूविंग्स लाउड, और कह रहे हैं कि बिना बरसी हुई घास को जोर जोर से क्या है कहरा रही है, नॉर कैन ही बी एट रेस्ट विद इन हिज सीक्रेट चेस्ट, और कह रही हैं कि न ही वह चैन से रह पा रहे हैं, यानी कि उनकी जो पवित्र छाती के भीतर हैं, नॉट बट द प्रोफाउंडेस्ट हेल कैप बी हिज द श्राउड इन बेन द ट्रिम्बल्ड द एथेम्स डार्क, और क्या करें कि ट्रिम्बल्ड एथेम्स डार्क के साथ व्यर्थ है, जो कि द ट्रेवल स्टोन सर किरट्स वियर हिज वर्शिप्ड आर्क, और कह रहे हैं कि जो जादूगर हैं उसकी पूजा कर रहे हैं, अब वो भी उसकी पूजा
नहीं करेंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो ओरिसिस के यहाँ पे देवता, ये जो ओरिसिस के देवता का उल्लेख किया जा रहा है, वह कह रहे हैं कि वह रुक नहीं सकता है, अब वह आराम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके कफन के रूप में एकमात्र क्या है, नर्क है। अब उन्हें नर्क में भेज दिया जाएगा, अब वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोग देवता नहीं है, अब क्राइस्ट का जन्म हो गया है। नेक्स्ट को देखते हैं, यस 29 स्टैंजा को देखते हैं। ही फील्स फ्रॉम जुडास लैंड एंड ड्रेड इट इन फ्रॉन्ट्स हैंड। कह रहे हैं कि यह योद्धा की भी भूमि को यानी लैंड को क्या कर रहा है, महसूस करता है। They dreaded in front's hand, खूंखार शिशु का हाथ है। The rise of Beltham, the blinds his dusky eye, और कह रहे हैं कि जो Beltham की किरणें उनके आंखों को क्या है, अंधा कर दे रही। Nor all gods besides longer dare abide, और कह रहे हैं कि न ही सभी देवता बगल में हैं लंबे समय तक, longer डेर abide यानी कि न लंबे समय तक में रहने की क्या है, हिम्मत है। नॉर ट्राइफोन हुंग इंडिंग इन स्नेकिंग ट्विन, और कह रहे हैं कि नॉट ट्राइफोन जो विशाल एंडिंग द स्नेकिंग है। Our babe Shiva his God is true, और क्या कह रहे हैं कि जो ईश्वर को सच में दिखाए यानी ईश्वर को सच में दिखाने के लिए can in his swelling pants control the demon creep, और कह रहे हैं कि swelling pants में स्थापित चालक दल को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो अतीत के देवता हैं, जो इसके पहले के देवता थे, वो इस बात को जानते हैं कि जो ये भयभीत शिशु के हाथ हैं, जो वेल्थम के चमकते प्रकाश को महसूस कर सकते हैं, यानी कि जो क्राइस्ट का जन्म हुआ है, क्राइस्ट के जन्म से जो प्रकाश को वो महसूस कर रहे हैं, वह उन्हें क्या कर दे रहा है, अंधा कर दे रहा है। जो बनावटी गॉड थे जिसको आगे हम लोग पढ़े हैं, वह उन्हें नष्ट कर देता है। जब क्राइस्ट का जन्म होता है तो उसकी चमक से उनकी आंखों को वो क्या कर देता है, अंधा कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है। हालांकि वो क्या है, दुनिया में नया है, इतना शक्तिशाली है कि वह दुनिया को बहुत अच्छा बनाएगा, यानी कि क्राइस्ट का जन्म हुआ है। सो वेन द सन इन बेड द शॉर्टेंड विद क्लाउडी रेड, कह रहे हैं कि जब सूरज, यस सन इन बेड द शॉर्टेंड विद क्लाउडी रेड, है ना, जब बादल लाल रंग के पिलोज हिज स्किन अपॉन द ओरिएंट बीप, और कह रहे हैं कि लहर अपनी जब इधर उधर हो रही है, द फ्लोइंग शैडोज पिल, और क्या कह रहे हैं कि परछाइयाँ फीकी पड़ जाती हैं, ट्रूफ टू द इनफर्नल जो नरक के जेल के लिए सेना है, द इच फेटर्ड घोस्ट स्लीप्स टू हिज ए सेवरल ग्रीफ, और क्या कह रहे हैं कि जो भूत हैं, जो घोस्ट हैं, वो अपने कब्र में वापस जा रहे हैं। एंड हेलो स्क्रेटेड ऑफ फेस, और क्या कह रहे हैं कि फ्लाई आफ्टर द नाइट स्ट्रिप्स लिविंग देयर मून लव्ड मींस, और क्या कह रहे हैं कि रात के घोड़ों के पीछे यानी कि जो प्यार है वो क्या है, उसको छोड़ दिए हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि यह छाया के झुंड के जो सैनिक के रूप में देखता है, जो उनकी नरक के जेल में है, अब वो केवल भूत हैं और अपनी कब्रों में क्या कर रहे हैं,
प्रवेश कर रहे हैं कि स्ट्रांजा जो है इसमें ये कह रहा है कि जो परछाइयां दिखाई गई हैं, जो सैनिकों के झुंड को यहाँ पे दिखाया गया है, वो उनके लिए क्या है, एक नर्क का जेल है जो अब केवल वो वहीं पे रहेंगे, यानी कि वो अपनी कब्र में ही रहेंगे, अब वहां से वो बाहर नहीं निकलेंगे। आज का इस का लास्ट स्टांजा देखते हैं कि लास्ट स्टांजा में क्या कह रहे हैं। बट सी द वर्जिन ब्लेस्ड, यस आइए इसको देखते हैं। बट सी द वर्जिन ब्लेस्ड हॉथ लेड हर बेब टू रेस्ट। यहाँ पे जो मदर है उसकी इमेज को दिखाया जा रहा है, उसने अपने बच्चे को आराम के लिए लिटा दिया है। दिस इज आवर रेडियस सॉन्ग सुड हेयर हैव इंडिंग अ हेवेंस यंगेस्ट टिल्ड स्टार। और क्या कह रहे हैं कि यह समय है कि हमें इस लंबे सॉन्ग को यानी गाने को, लंबे भजन को खत्म करना होगा। हैथ फिक्स हर पॉलिश्ड द कार, यस कार है उनकी जो पॉलिश की हुई ठीक कर दी जाती है ना, जो उनकी अगर एक तरह से आप कहें कि एक प्रकार से जो अप्सराएं हैं, उदय होने वाला है, जो नवजात शिशु है, वह तारा है जिसने अपने रथ यात्रा को क्या किया है, रोक दिया है। हर स्लीपिंग लॉर्ड विथ हैडमेड लैम्प अटेंडिंग एंड ऑल अबाउट द कर्डली स्टेबल ब्राइट हॉर्नेस्ट एंजल्स सी द ऑर्डर सर्विसेबल। और क्या करें हैं कि हमारा छोटा सा बच्चा इस ब्रह्मांड के मालिक का क्या है, पुत्र है, तमाम तारे उसकी सुरक्षा के लिए बैठ गए हैं, तमाम ईश्वर के भेजे हुए देवदूत खुद को अस्त्र शस्त्र से सुशोभित करके बच्चे की रक्षा करने के लिए बैठ गए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, आप इस स्टांजा को एक बार फिर देखेंगे। इस स्टांजा में ये है फ्रेंड्स कि जो है मदर की इमेज को इसमें, इस स्टांजा में मदर की इमेज को दिखाया गया है, वह कह रहे हैं कि उसने अपने बच्चे को आराम के लिए क्या किया है, लिटा दिया है, बेब द रेस्ट यानी कि आराम करने के लिए उसको क्या किया है, लिटा दिया है। टाइम आवर ट्रेन इज यानी कि यह समय है हमें इस लंबे सॉन्ग को, जो ये गाना है, इसको क्या कर देना चाहिए, एंडिंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि खत्म कर देना चाहिए। एक प्रकार से जो अप्सराएं उदय होने वाला सबसे नवजात शिशु क्या है, यंगेस्ट ट्रिमेड स्टार, वह नवजात क्या है, शिशु है, जो तारा है जिसने अपनी रथ यात्रा को क्या किया है, यहाँ पे पोलिस्ट कार यानी कि अपनी रथ यात्रा को क्या किया है, रोक दिया है। हमारा छोटा बच्चा इस ब्रह्मांड के मालिक का क्या है, पुत्र है, जो तमाम ईश्वर के भेजे गए देवदूत खुद को अस्त्र शस्त्र से सुशोभित करके बच्चे की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग पैराडाइज लॉस्ट को लेंगे, है ना, यस इसके बाद हम लोग पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिल्टन की जो है कि जो MCQs पे ठीक है हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।